असल के व्यवर्स माइन रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ई ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड इस वीडियो में मैं आपको ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक एच जिसकी डेवलपमेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह लोगों ने किए थे कि इस ब्लॉक के डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है उस हवाले से बताऊंगा ब्लॉक एच बेसिकली ब्लॉक डी की बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड पर वाक है और ब्लॉक एच में डेवलपमेंट जो स्टेज है वो मैं वीडियो में आगे जाकर शेयर करता हूँ ब्लॉक एच का ओवरऑल सोसाइटी ने पोजेसन ऑफर कर दिया है बट मेरा नहीं ख्याल किसी मेंबर ने पोजेसन अप्लाई किया होगा क्योंकि अभी डायरेक्ट एक्सेस मोटरवे से अवेलेबल नहीं है तो सोसाइटी ने यही सोच के शायद एडवांस पोजेशन ऑफर कर दिया कि लोग पोजेशन तो अप्लाई नहीं कर रहे बट इट्स अ मार्केटिंग गिमिक के ओवरऑल पोजेसन ऑफर हो गया ओवरऑल ब्लॉक एच की डेवलपमेंट है उसका जो स्टेटस है वो करंटली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लॉक एच में डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ रॉ लैंड की लेवलिंग हुई है वो भी चंद पैचेस ऐसे हैं जैसे कुछ बैक पे आपको पैच नज़र आ रहा होगा जहाँ पे छोटे छोटे पैचेस हैं बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहाँ पे कुछ ग्रीन लैंड अवेलेबल है और ब्लॉक आई वाली साइड पर सोसाइटी ने ये जो आपको नीचे वाली साइड पर बॉटम में नज़र आ रहा है ये ब्लॉक आई वाली साइड है जहाँ पर कमर्शल डिस्ट्रिक्ट है इस साइड पर भी कुछ इसी तरह के छोटे छोटे पैचज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर अभी सोसाइटी के पास शायद लैंड एक्वायर्ड नहीं है या अदरवाइज इसको अब तक छेड़ा नहीं गया जो भी केस है जाहिर सी बात है सोसाइटी ने पिक्योरमेंट की लैंड हमसे डिटेल्स शेयर नहीं करते बट ओवरऑल ब्लॉक एच का देखें मेजर पार्ट ऐसा है ये मैं काफ़ी हाइट से फुटेज बना रहा हूँ तो शायद आपको ब्लॉक एच का साइज बड़ा ना लग रहा हो क्योंकि काफ़ी एलिवेटेड एरिया है एलिवेटेड एलिवेशन से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो बट ओवरऑल ब्लॉक एच में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसा है अबाउट सेवेंटी टू एटी परसेंट एरिया ऐसा है जिसकी लेवलिंग मुकम्मल हो गई है अगर मैं इसको पास से कंपेयर करूँ जब लास्ट टाइम मैंने ब्लॉक एच की ब्लॉक जी की वीडियो बनाई थी तो ये वाला एरिया सारा बिल्कुल ग्रीन लैंड थी इसमें कोई ब्राउनिंग का काम भी नहीं हुआ था क्योंकि लेवल लैंड है ऑलरेडी यहाँ पे खेत थे फसलें थी तो उसको लेवल करने के लिए सोसाइटी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा बट मोस्ट प्रोबली जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे जिनके प्लाट्स हैं जिन मेम्बर्स के उनके लिए एक अच्छी अपडेट ये है कि वो यहाँ पे उनके प्लाट्स की लैंड लेवल हो गई है बट अगर जो मेन डेवलपमेंट की चीज़ होती है ना वो पाँच चीज़ें होती हैं अर्थवर्क अर्थवर्क में आता है कटिंग और फिलिंग वाला काम सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है उसमें स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान बनना जो काफ़ी हद तक बन गया है थर्ड इज़ उन स्ट्रीट्स का कारपेटिंग होना फोर्थ इज़ के जो सीवरेज और जो ऑप्टिकल फाइबर और बाकी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अंडरग्राउंड काम है उनका होना एंड फिफ्थ इज के उन पे प्रॉपर प्लांटेशन यानी कि हॉर्टिकल्चर का काम प्लस जो स्ट्रीट लाइट्स का लगना और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनका बनना तो अगर मैं देखूँ डिवलपमेंड स्टेटस को ब्लॉक एच के तो आई गैस सिर्फ आउट ऑफ फाइव दो काम हुए हैं जिसमें है आपका बेसिक अर्थवर्क कटिंग और फिलिंग वाला काम उसके बाद सेकेंड इज के स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान थर्ड इज़ के इन स्ट्रीट्स पर एस्फॉल्ट और कार्पटिंग का होना वो पोजेशन अप्लाई करता है कोई भी इंडिविजुअल तो उसको छः महीने आठ महीने का टाइम चाहिए होता है घर बनाने या छः महीने से साल का टाइम कर लें घर बनाने के लिए तो सोसाइटी ने माइट भी इस अपॉर्चुनिटी पे पोजेशन ऑफर कर दिया हो कि जिन मेंबर्स के प्लॉट हैं अगर वो पोजेसन अप्लाई करते हैं अपने घर के लिए तो वो जब तक वो पोजेशन मुकम्मल होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट साइड वाइज मुकम्मल हो जाएगी बट ओवरऑल जो भी स्टेटस है वो आप अपनी स्क्रीन पर सेल्फ ज़्यादा तौर पर देख सकते हैं कि एक स्टेटस कहाँ पर स्टैंड करता है ओवरसीज़ वन में ब्लॉक एच और ब्लॉक जी ही ऐसे दो आई गेस रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं ब्लॉक एफ भी है बट वो पार्शली लिटिगेशन uh, में है क्योंकि उसके साथ एक महकमा जंगलात के साथ एक इशू चल रहा है उस, उस लैंड का उस पर भी काम उस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ एक छोटे फेज पे छोटे पैच पर स्टार्ट हुआ है फेज नहीं छोटे पैच पर स्टार्ट हुआ है ब्लॉक एफ में ब्लॉक एच में uh, काफ़ी uh, तकरीबन लैंड जो है उसमें काम हो गया है और ब्लॉक जी जो है उसमें काम जो है वो तकरीबन पैचेस में हुआ है मुकम्मल जो है उसमें रहता है कुछ पॉकेट्स में काम अभी रहता है और बाकी काम पे ब्राउनिंग वाला काम हो गया और इस ब्लॉक के जो ओवर हेड वाटर टैंक है वो भी बन गया जो ब्लॉक डी और ब्लॉक एच की इक्वली वाटर सप्लाई करेगा जिसकी कैपेसिटी टू हंड्रेड फिफ्टी क्यूबिक फीट है पर डे क्यूबिक लीटर है पर डे सो दिस दॉ इट वन टू डे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव डबल नाइन डबल नाइन डबल एट वन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वांची को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज